तो दोस्तों आज हम स्कॉर्पियो गाड़ी को सीखने के बारे में बताएंगे कि स्कॉर्पियो गाड़ी को किस प्रकार से सीखा जाता है और किस प्रकार से चलाया जाता है। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हमें कोई जानकारी नहीं है स्कॉर्पियो गाड़ी को चलाने के लिए, तो सबसे पहले हमें इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह गाड़ी की चाबी स्कॉर्पियो गाड़ी की। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको जानना क्या है, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। तो दोस्तों ये है इसका एक्सीलेटर, जिसे दबाने से गाड़ी रेस होती है, और ये है ब्रेक, जिससे गाड़ी को कंट्रोल किया जाता है। ये होता है क्लच, इसका उपयोग कई जगहों पर होता है। इन तीरों के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए कि कब कैसे क्या करना है इससे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, इन तीनों चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद अब आ जाते हैं गियर पे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको देख लेना है कि हमारी गाड़ी न्यूट्रल है या गियर में है। तो गियर में रहेगी तो आपका लीवर जो है कि ये पूरी तरह से मूव नहीं करेगा। अगर आपकी गाड़ी न्यूट्रल है तो ये पूरी तरह से मूव करेगा। गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए हमारी गाड़ी न्यूट्रल है ना। गाड़ी को हमेशा न्यूट्रल करके ही स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप नए हैं, तो अगर आप पहली बार गाड़ी को चलाने जा रहे हैं, तो आप पहले खड़ी गाड़ी में क्लच को आप दबाकर इस गियर को पहले लगाकर आप समझ लीजिए कि कौन सा गियर कहाँ लग रहा है। तो ज़्यादातर स्कॉर्पियो में इसी प्रकार से गियर लगता है। दोस्तों ये हो गया आपका एक नंबर, हल्का सा इसको दबाकर लगाएंगे तो ये हो गया एक नंबर। फिर सीधा सीधा एक नंबर के ठीक सामने अगर आप खींचेंगे तो ये दो नंबर लग जाएगा आपका। इसके बाद इसको आप एकदम पूरा सीधा अगर आप दबाएंगे तो ये तीन नंबर लग जाएगा आपका। इसको फिर सीधा करेंगे तो चार नंबर लग जाएगा, और आपका टॉप गियर जो है ये यहाँ पर हल्का सा सीट की तरफ, ड्राइविंग सीट की तरफ आप दबा कर लगाएंगे तो इस प्रकार से आपका टॉप गियर लग जाएगा। और रिवर्स गियर आपको लगाना है तो हल्का सा इसको दबा कर ड्राइविंग सीट की तरफ, पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये आपका रिवर्स गियर लग जाएगा। दोस्तों ये हैंड ब्रेक है, इसका इस्तेमाल चारों चक्का को रोकने के लिए होता है। जैसे आप कहीं भी गाड़ी पार कर रहे हैं तो इसको उठाना आवश्यक होता है। जैसे आप इसको उठा दिए आपकी गाड़ी आगे पीछे नहीं हो सकती है। जब भी आपको ड्राइविंग करना है इसको आप हल्का सा अंदर की तरफ दबाएंगे और इसको आप नीचे की तरफ कर देंगे तो ये आपका हैंड ब्रेक गिर गया। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं कि गाड़ी को किस प्रकार से चलाना है। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि कभी भी अगर आप फर्स्ट टाइम गाड़ी को अगर आप चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि सामने थोड़ी सी खाली जगह होनी चाहिए, क्योंकि नए होने के वजह से कभी कभी गाड़ी झटके में उठ जाती है या आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो सामने अगर कम जगह होने के कारण उसमें आपकी गाड़ी नुकसान हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा जहाँ हल्का सा जगह दिखे वहीं पर ही गाड़ी को सीखने का प्रयास करें। तो दोस्तों चलिए हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले हमें बैठकर ये चेक कर लेना चाहिए कि हमारी सीट हमारे क्लच और ब्रेक के पास तक हमारा पैर पहुँचा रही है कि नहीं। दोस्तों पूरी तरह से अगर क्लच और ब्रेक तक अगर हमारा पैर नहीं जा रहा है, थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है या कोई दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर एक स्टैंड दिया है, इसको उठाकर आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, इसको ऊपर की तरफ उठाकर, और आप जहाँ इसको छोड़ देंगे वहाँ ये सीट रुक जाएगी। तो जैसे हमने सेट कर लिया, सीट को आप सेट कर सकते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट हो चुकी है। अब हम देखते हैं सबसे पहले क्लच को दबाएंगे। क्लच दब गया है पूरी तरह से। अब गियर को हल्का सा बाएं की तरफ दबाकर इसको आगे की तरफ लगा दिया। अब हमारा एक नंबर गियर लग गया है। अब हम धीरे धीरे जैसे जैसे क्लच को छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी गाड़ी बढ़ती जाएगी। दोस्तों अगर आप क्लच को पूरा मोमेंट नहीं दे पाएंगे तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। कभी भी आप झटके से इस प्रकार से गाड़ी का क्लच न छोड़ें ताकि आपके साथ कोई दिक्कत परेशानी हो सके।
ऑटोमेटिक आप पूरी तरह से गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आप धीरे धीरे सेट हो जाएंगे, आपका हाथ धीरे धीरे सेट हो जाएगा, तो आप सीट बेल्ट को इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो दोस्तों सीट बेल्ट को इस प्रकार से लगाया जाता है। अब ये सीट बेल्ट मेरा लग चुका है और इसे नीचे की तरफ अगर आप प्रेस करते हैं तो सीट बेल्ट खुल जाएगा। आपको लगती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।